Assalamu alaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। हमने कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट किया हुआ था, तकरीबन हमने 12 से 13 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हमने डिस्कस की, जो आपको PPSC, FPSC, NTS या किसी भी टेस्ट में हेल्पफुल हो सकती हैं। तो हमने बेसिक मैथ भी स्टार्ट किया हुआ है और कुछ PPSC के पेपर्स जो मॉडल पेपर्स हैं, पास पेपर्स, वो मैंने स्टार्ट किए हुए हैं आपके साथ। तो बेसिक मैथ में हमारा प्रोपोर्शन का टॉपिक कंप्लीट तकरीबन हो चुका है। उसमें एक लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने 6 की 6 टाइप्स एक वीडियो में डिस्कस करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज जो एक वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है PPSC का 6 पेपर। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं आपके लिए, तो जो मॉडल पेपर नंबर है 6। तो हमारे 5 जो पेपर्स हैं वो हो चुके थे। ये 6 पेपर है, मॉडल नंबर 6, कंबाइंड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, PMS जो है इसको कहते हैं। तो इसका जो ज़्यादातर जो होता है वो टॉपिक होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। तो जनरल नॉलेज 2014 का जो है ये पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। जो 11 है, 17 जो इसका 1973 का जो आर्टिकल है 11, ये इसको एक्सप्लेन करता है। अंडर द फैक्ट्रीज 11 फैक्ट्रीज एक्ट 1934, नो अडल्ट एम्प्लॉय डिफाइंड एज अ वर्कर हु हैज कंप्लीटेड हिज और हर 18th ईयर ऑफ एज कैन बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट इन एक्सेस ऑफ 8 hours अ डे एंड 48 hours अ वीक। मतलब एक वीक में 48 घंटे काम करें और एक दिन में 8 घंटे काम कर सके। नेक्स्ट है सर्वाइव इज द ऑपोजिट ऑफ हॉगटी, इसका ऑपोजिट जो है वो हॉगटी है। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेम्बर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज आर इलेक्टेड फॉर द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। जो कैलिफोर्निया है उसके ज़्यादा मेम्बर्स जो है वो इलेक्ट हुए थे। आउट ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप बाई पॉपुलेशन विदाउट हैविंग अ स्टेट ऑफ इज ओन इज़ कुर्दिश। जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है बाय पॉपुलेशन विदाउट हैविंग अ स्टेट ऑफ इट्स ओन, उसकी जो स्टेट नहीं है लेकिन वो एथनिक ग्रुप है बाय पॉपुलेशन के लिहाज से, वो कुर्दिश है। जो 6 हमारा MCQs है, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ फलस्तीनियन अथॉरिटी यासर अराफात डाइड ऑन 11 नवंबर 2004। जो फर्स्ट प्रेजिडेंट है फलस्तीन का यासर अराफात, वो कब डाइड हुआ था, मतलब कब उसकी वफात हुई थी, 11 नवंबर 2004 को। विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट, ये तो आपको पता ही है, विटामिन डी है इसका आंसर है। द इमेजिनरी लाइन ऑफ 0° लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इज कॉल्ड मेरिडियन। द फेमस बुक ईस्ट ऑफ ईडन, ये किसने लिखी है या किसकी है, जॉन स्टीनबेक उसका नाम है, तो ये उसकी बुक है। बस्टाइल डे इज द कॉमन कोमेमोरेशन ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल फोर्ट प्रिजन विच वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन फ्रांस। सुई जनरिस इज अ लैटिन टर्म ऑफ यूनिक, ये जो है वो लातीनी टर्म है, यूनिक से निकला है। द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज फॉल बिटवीन ईरान, ओमान एंड UAE। जो हुर्मुज स्ट्रेट है वो ईरान, ओमान और UAE के दरमियान फॉल करता है। रैंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका की करेंसी है। करेंसीज के बारे में टॉप जो मैं टॉप टॉप चीज़ें जो हैं उसमें भी मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। द नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू ILO एस्टिमेट इन डिवेल्पिंग कंट्रीज इज 250 मिलियन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल, इसकी जो है इसका जो आंसर है वो है अनफोर्सेबल मीन दैट देयर इज नो रेमेडी फॉर ब्रीच फॉर अ कन्वेंशन
द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स, द कन्वेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन आर नॉट बाइंडिंग, और ये है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। अच्छा तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है 17। इन टोर्स द प्रिंसिपल रेस्टोरेशन एड इंटेग्रम मीन्स, ये जो प्रिंसिपल है इसका क्या मतलब है? रिस्टोरेशन टू द ओरिजिनल कंडीशन। नेक्स्ट द साउथर्न ग्रोस विच इज कॉन्स्टलेशन फाउंड इन द साउथर्न रीजन ऑफ द नाइट स्काई कंजिस्ट मेनली ऑफ, जो साउथर्न ग्रोस है उसका जो कॉन्स्टलेशन फाउंड इन द साउथर्न रीजन ऑफ द नाइट स्काई कंजिस्ट ऑफ 7 स्टार, जो साउथर्न ग्रोस है वो 7 5 स्टार पर मिला है। 7 3 ऑप्शन हैं, 5 भी ऑप्शन है, तो 5 इसका आंसर है। सिलेट डिस्ट्रिक्ट इज द एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ असम, ये जो है ये किसका हिस्सा था? असम का। नेक्स्ट है यूफोनियस इज द ऑपोजिट ऑफ स्ट्राइडेंट, यंगसे रिवर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द कंट्री, जो यंगसे रिवर है वो कौन से कंट्री से नहीं गुजरता? तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तमाम जो कंट्रीज दिए हुए हैं उनमें से नहीं गुजरता। तो नेक्स्ट है द इनकैन सिविलाइजेशन फ्लोरिश इन साउथ अमेरिका, ये जो है इनकैन सिविलाइजेशन ये फ्लोरिश हुई थी कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट 23 है द लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन द ग्रेट लेक्स रीजन, ग्रेट लेक्स रीजन में जो है पॉपुलेशन के लिहाज से वो शिकागो है। एन ऑर्डिनरी मोबाइल फोन कम्युनिकेट बाय यूजिंग रेडियो वेव्स स्ट्रोक इंडिसेस एट टोक्यो, उसे निक्की कहते हैं आप, या निक्की पता नहीं क्या ये वर्ड है, निक्की है आई थिंक। और एनुटी इज़ द सम ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस एज वन ऑफ सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट्स, ऑप्शन चॉइस जो है इसका मतलब क्या होता है? गिविंग नो चॉइस एट ऑल, द फिनोमिनन ऑफ अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क्ड बाय द सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बुजीजी अ फ्रूट सेलर इन टूनिसिया, द हुरिकेन इन द अक्टूबर 2012 विच कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द ईस्टर्न सी बोर्ड स्टेट्स ऑफ द USA इज सैंडी, जो दो हुरिकेन आया था अक्टूबर 2012 में USA में तो वो सैंडी था। अब वाउचर में भी या पेमेंट बिल, वेजेस शीट, बैंक रिसीट, ये तमाम होते हैं उसको वाउचर कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वो पोल्यूशन से रिलेटेड बात करता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ लिबियन किंग डिपोज बाय कॉलोनल कदाफी 1969, किंग इद्रीस, हु सेड वेयर वेल्थ एक्युमुलेट मेंडके, जो ये वेल्थ के बारे में जो भी है इकोनॉमिक्स, ये गोल्ड स्मिथ ने इसके बारे में बात की है। बेकार लेक इज सिचुएटेड इन रशिया, बेकार लेक जो है वो रशिया में पाया जाता है। व्हाट इज मीन बाय लेजेस फेयर, तो इसका क्या मतलब है? लजीज फेयर का मतलब है नॉन इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करती गवर्नमेंट। द अरब लीग वॉज फॉर्म्ड इन कैरो, अरब लीग जो है वो कैरो में बनाई गई। द एग्रीमेंट विच प्रोवाइडेड फॉर टेरिटरी एलोकेशन एज फेयर ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट इन केस ऑफ ब्रेकअप ऑफ ओटोमान एम्पायर इज नाउन एज सेकिस पिकट, द कंट्री हैविंग द हाइस्ट GDP इन द वर्ल्ड लुक्सम्बर्ग, नाउ जो है वो US है, ये आपने याद रखना है 2020 में जो है हैविंग हाइस्ट GDP वो US की है। अच्छा नेक्स्ट है ब्राजुका इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ फिफा वर्ल्ड कप 2014, फॉर हाउ मेनी ईयर डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन, जो नेल्सन मंडेला वो प्रिजन में कितने साल रहा? 27 ईयर्स। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन इट इज कॉल्ड बेरिश, जब डाउन आ जाए तो बेरिश है, जब अप आ जाए तो बुलिश है, ये याद रखना है, दोनों MCQs आपको आए हुए हैं। डेसिबल इज़ अ यूनिट यूज फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज सिलिकॉन, अ चेंज इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर प्रॉम्प्टेड बाय इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट, लर्निंग जो है
वो होती है, उसका बिहेवियर वगैरह चेक करना या उसके एक्सपीरियंस, तो ये हमारी लर्निंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज सेज दैट, किसने कहा है, किसके बारे में, एथिकल इश्यूज शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम यूनिवर्सल कोड, डीओ डियोन्टोलॉजिकल, ये उसका नाम है। लिटरली द वर्ड एथिक्स जो है वो किससे निकला है, स्टैंड फॉर स्टडी ऑफ मोरालिटी, जो मोरालिटी है उसकी स्टडी करना। द मेंटल एक्ट कंडीशन और हैबिट ऑफ प्लेसिंग ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन अनदर शोज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, बिलीफ, उसमें यकीन करना। द हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो हमारा वेनस है, और अगर कोल्डल कोल्डेस्ट आपको पता होना चाहिए तो वो नेपच्यून है। नेक्स्ट है, डैंगलिंग पॉइंटर अराइजेज व्हेन यू यूज द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट्स लाइफ टाइम इज ओवर, डैंगलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री, फर्स्ट जो है वो कौन से इवेंट्स हुए थे, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है, द फेमस पेंटिंग सनफ्लावर वॉज डन बाय वैन गॉक, ये उसने पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1930s ओरिजिनेटेड इन USA, जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे 1930 में वो USA में हुए थे। स्टार्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज इन सिंगापुर, उसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज इंक्लूडिंग इन हॉर्न अफ्रीका, सोमालिया जो है वो उसमें शामिल है। एशियन वॉज फॉर्म्ड इन 1967, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड इन द लेवेंट रीजन, लेवेंट रीजन में कौन सा है, सीरिया। थॉमस कप इज गिवन इन द गेम ऑफ बैडमिंटन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो आपके PPSC पेपर में पेपर हैं उसमें ये पास पेपर में जो है 3400 किलोमीटर दिया हुआ है। ये 2014 का पेपर है, इसमें उन्होंने गलती की हुई थी, लेकिन अब जो है सही इसका जो आंसर है वो 21,196.18 किलोमीटर है। अब के पेपर में ये जो इंक्लूड हो चुका है ये आपने याद रखना है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, रोसियो जो है उसका नाम है। डिवाइन कॉमेडी वॉज रिटन बाय डांटे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नाउन एज फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है, कोपरनिकस। इन फ्रांस द बस्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बस्टाइल डे कब मनाया जाता है फ्रांस में, 14 जुलाई को। स्वेटलिंग कप जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, टेनिस के। इन 1774 ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रीस्टले, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर्ड की, प्रीस्टले ने। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड द स्टोन एज इज आल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, उसे कहा जाता है। पैडागोगी जो है वो टीचिंग की साइंस है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 लाख बाइट्स। मैपल लीफ इज द नेशनल एम्बलम ऑफ कैनेडा, ये काफ़ी दफ़ा MCQs आपको पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है, व्हील इज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, तो नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्लियामेंट इज कॉल्ड डाइट, जो पार्लियामेंट है ये भी मैंने इंशाल्लाह लिस्ट शेयर करनी है आपके साथ पार्लियामेंट की, तो ये जापान का पार्लियामेंट है डाइट। हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल, बाईसाइकिल जो है वो कितने इन्वेंट की, मतलब याद की, कार्ल वॉन ड्रेज ने। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है उसका एरिया क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास 78,91,000 स्क्वेयर किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाल्टिक बाल्टिक स्टेट, जो कौन सी है जो कंट्री वो बाल्टिक स्टेट है, एस्टोनिया। व्हाट इज मीन बाय इक्विनोक्स डे एंड नाइट आर इक्वल, इसको क्या कहते हैं, जब डेज एंड नाइट आर इक्वल हो तो इक्विनोक्स कहते हैं। विच सी इज लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, अरल सी जो है सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। व्हाट इज विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, जो विटीकल्चर है वो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स है। विडोस्टियर इज द नेम ऑफ प्लांट, ये जो है वो प्लांट का नाम है। कलहारी डिजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, बोट्सवाना कंट्री उसका शहर है, तो अफ्रीका में ये पाया जाता है। द ऑथर ऑफ द न्यू डील वॉज प्रेजिडेंट ऑफ रोजवेल्ट, जो न्यू डील है इसका ऑथर कौन है, प्रेजिडेंट रोजवेल्ट। द करेंसी ऑफ पोर्टुगाल इज यूरो। व्हाट इज द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क, फोलकैटिंग जो है उसका पार्लियामेंट है। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज, ये भी काफ़ी दफ़ा जो है MCQs आपको आया हुआ है, तो इसका जो है यू टर्न उसका आंसर है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ EFTA,
ईएफटीए जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ब्रेड ऑफ फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट विच फोकसेस ऑन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, वाशिंगटन जो है वो वहाँ पर पाया जाता है। ब्रेड फॉर द वर्ल्ड जो है वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाशिंगटन में। नेक्स्ट है, आंसर इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इटली। एरोलोफ्ट इज द एयरलाइन ऑफ रशिया। टेजल इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जर्मनी। टेजल जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जर्मनी का। ब्रॉडवे स्ट्रीट ऑफ यूएसए इज फेमस फॉर सैनमा हॉल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आपको पीपीएससी में आया हुआ है। वट इज़ द न्यू नेम फॉर लेनिनग्राद? एस टी पेडरबर्ग। विच कंट्री इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप? कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो किसे कहा जाता है? बेल्जियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ सेवन हिल्स? सेवन हिल्स जो है, लैंड ऑफ सेवन हिल्स किसको कहा जाता है? रोम को। विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ इटली? इटली का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मेडल फॉर वॉलर है। नेक्स्ट है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010 वाज वन बाय, 2010 का जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था? ये पास पेपर मतलब जो प्रीवियस हिस्ट्री क्वेश्चन है, स्पेन में, स्पेन ने जो है वो इसने स्पेन ने जीता था। इन ह्यूमन बॉडी फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन। फ्लैट बोन जो है वो हमारी स्कल जो है, खोपड़ी जो है उसमें पाए जाते हैं। इफ़ देयर वर नो एटमोसफियर व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई? ब्लैक। तो समटाइम वो नन भी जो है ब्लैक की जगह पर दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए जो अगर नो एटमोसफियर कुछ ना हो तो कलर क्या होगा स्काई का? ब्लैक। नेक्स्ट है, कंचोर द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल हाइट। कनेक्चर जो कंचोर जो होती हैं वो कनेक्टिंग प्लेसेस होती हैं इक्वल हाइट की। ओवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अस द और सैडेस्ट थॉट। दीज वर्ड आर एट्रीब्यूटेड टू शेले। हु क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर ऑफ ड्रैकुला? जो ड्रैकुला का करेक्टर है वो किसने बनाया? ब्रैम स्टोकर ने। नेक्स्ट है, वाइट गुड्स आर ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स को कहा जाता है वाइट गुड्स। अमेरिका कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्पोर्ट्स? याचिंग। तो जो अमेरिका कप है वो किसके साथ अटैच है? याचिंग गेम के साथ। तो स्पोर्ट्स से रिलेटिव मैं आपके साथ लिस्ट, मैं इंशाल्लाह इस पर वर्क कर रहा हूँ, तो मैं जो लिस्ट है ना, ये लिस्टें बनाना मेरे पास थोड़ा सा टाइम मैं निकाल के, तो ये जो है ना मैं लिस्ट बना के आपके साथ टॉप टॉप जो चीज़ें हैं पीपीएससी में आई हुई हैं, लाइक ये स्पोर्ट्स हो गए, करेंसीज हो गए और कैपिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताया करें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।